प्रियंका तो मुझे पहले से ही पसंद है। आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट आरशी खान का बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स पर रिएक्शन। I don't know, I was busy in my work, मैंने पूछा भी नहीं, but मुझे ये पता था movie release होगी। Well, because 16 भी चल रहा है, लेकिन लोग आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं। हाँ, I know। क्या कहना चाहोगे? कितना आप पसंद कर रहे हैं इस season के मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। देखो एकता जैन भी आ गई हैं और भाई बहुत अच्छी लॉयर बनी है हमारी मूवी में। सो बिग बॉस तो यार जान है मेरी एंड आज हमें अल्लाह ने जितना भी नवाजा है उस घर की वजह से ही नवाजा है एंड सलमान साहब और मतलब कितने भी सीजन्स आ जाएँ हम तो छाए रहेंगे। आरशी खान जुड़ी है बिग बॉस से तो वो जब भी हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे आग लगाने के लिए। फिर पब्लिक ये बोले कि आरशी खान लड़ती है करती है तो मैं बोलूँगी यार यही तो चलता है वहाँ पर। आई लव प्रियंका। प्रियंका मुझे शुरुआत से ही पसंद है, उसका जो बोलने का तरीका है बहुत अच्छा है, बहुत ठोक के बोलती है वो। और अंकित भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब्दू तो है ही, अब्दू कैरेक्टर ऐसा है कि वो सभी को पसंद आ रहा है बिकॉज उसमें वो कुछ करता ही नहीं है, वो क्यूट है, वो किसी भी डिसीजन में भी नहीं है साथ में, वो बस सामने बैठा हुआ बस ये करता रहता है थैंक यू बस और कुछ नहीं। और क्या लगता है एंटरटेनमेंट अर्चना अच्छा कर रही है, अब्दू भी एंटरटेनमेंट तो है ही अब्दू एंड प्रियंका, अगर प्रियंका नहीं होगी तो सीजन के अंदर मज़ा नहीं है क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा क्या कर सकते हो। जैसे आरशी शिल्पा की जुगलबंदी थी तो वो अगर नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आता एक तरफ से। और इस सीज़न के अंदर 14 के अंदर भी जो अली गोनी था, आरशी थी, राहुल था तो वो ट्रायो था तो मज़ा था। दोनों ही ज़रूरी है, मतलब ग्रुप तो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अगर ग्रुप नहीं बनाएंगे तो आप मेंटली बड़े दिक्कत में आ जाते हैं क्योंकि फिर ग्रुप होता है तो वो आपको सपोर्ट करता है। अगर आप अकेले होते हैं तो फिर मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम सबसे लड़ूंगा मैं तो लड़ूंगी। नहीं नहीं पता नहीं इंडिया मॉल बार बार क्यों बुलाएगा किसी कंटेस्टेंट को और क्यों बुलाने हैं, मतलब थोड़ा गैप भी तो देंगे ना वो। अभी बार बार बुलाएंगे तो फिर आवाम भी तो यू नो बोर हो जाएगी ना कि अब हमें पता है गेम क्या होने वाला है तो नॉट अबाउट उसके लिए ही नहीं सबके लिए। और भी आते थे लोग बहुत ज़्यादा, हर सीज़न में आ जाते थे माइंड गेम खेलने के लिए तो अब नहीं बुला रहे। मैं हमेशा से रेडी रहती हूँ, मेरे चेंजेस हमेशा दिखते हैं, मैं कभी एक गेम खेलती ही नहीं, मुझे पता है कि वहाँ जाकर क्या गेम खेलना है। माई माइक नंबर इज 07 and 011 ऑलवेज एंड दोनों मेरे लकी नंबर हैं 7 and 11 तो वो माइक मुझे हमेशा मेरा बहुत करीबी। और बिग बॉस को पता है मुझे बैक पेन होता है तो वो मेरा जो बैक के लिए सामान भेजते थे सब 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 याद आता है।